नमस्कार, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज और मैं हूँ काजल आपके साथ। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की विकास की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में जिला मुख्यालय गेट पर अपने हाथ में खाने की थाली लेकर एक पुलिस वाले ने जमकर हंगामा किया है। वही हंगामा करते हुए सिपाही ने अपने आरोपों से पुलिस विभाग की नींद हराम कर दी है। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि पुलिस सबसे अच्छा कार्य करे, जब पेट में रोटी नहीं जाएगी तो हम कहां से चल पाएंगे। आप ये तो देख लीजिए, कोई सुनने वाला नहीं है, सब लोग दबाव बनाते हैं। दरअसल पुलिस ने अपनी इसी वीडियो में पुलिस विभाग द्वारा दिए जाने वाले खाने की गुणवत्ता की पोल खोल दी है। सिपाही का आरोप है कि जवानों को खाने के लिए घटिया गुणवत्ता वाला भोजन दिया जाता है। बता दें कि पुलिस को दिए जाने वाले खाने को लेकर कई आरोप लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, बता दें कि पुलिस वाला अपने खाने की थाली को लेकर सड़क पर आया और खाने की घटिया गुणवत्ता बताते हुए जमकर रोने लगा। इतना हो जाने के बाद भी पुलिस अधिकारियों तक पुलिस वाले के द्वारा लगाए गए आरोपों का कोई प्रभाव नहीं हुआ है। आपको बता दें कि इस वीडियो को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया है और लिखा है कि अमृत महोत्सव के शोर शराबे में भूख से रोते उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले की बात सुनने वाला कोई है क्या? महोत्सव के नाम पर भूख उत्सव क्यों? वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस वाला कह रहा है कि कोई सुनने वाला नहीं है इस पुलिस विभाग में। अगर कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो मुझे यहाँ आने की जरूरत ही नहीं होती। कप्तान साहब यहाँ से गुजरे तो मैंने उनसे कहा कि इस थाली में से 5 रोटियाँ आप खा लीजिए, अचार खा लीजिए, कम से कम आपको पता तो चले कि आपके सिपाही 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद ये रोटियाँ खा रहे हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि इन रोटियों को आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटा बेटी इसे खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, बस मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कहूँ। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने सिपाही को मनाने की कोशिश की, लेकिन सिपाही बड़े अफसरों को बुलाने पर अड़ा रहा। अंत में उस सिपाही को पकड़कर पुलिस लाइन भेज दिया गया। समझो उत्तर डकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें बिगड़ दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, मेरे साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, अचार खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रही। जिसको यहाँ के आप कुत्तों को डाल दीजिए, क्या आपके बेटी बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस। यदि आज ये यूपी भी हिंदुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए इस उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को सब दबाते जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं, मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूं? या मेरे बाप आप छोड़िए, इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही मोदी द्वारा, कर्णा द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे इस थाली को, तुझे करके जनता की सीट में चला गया। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है बहुत अगर नहीं हो रही है। ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएसओ ने मुझसे कहा फोन काट दो, बंदा बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएसओ बोल रहा हूँ, एडीजी आ गया साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकार। आपको बता दें कि पुलिसकर्मी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है और इस वीडियो को देखने वाला हर एक इंसान पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा कर रहा है। इस विषय पर आपकी क्या राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज। खबरों को और भी विस्तार से देखने के लिए आज ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।